भारत में स्वच्छता व शौचालय निर्माण को लेकर सरकार की तरफ से कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, पर गाँव में तस्वीर कुछ और ही है। देरड़ा गांव में यादव समुदाय जो कि अपने मोहल्ले में शौचालय बनाना चाहता है, पर इसे होने वाली गंदगी से परेशान है, क्योंकि इसके पास ही स्थित एक तालाब में सारा गंदा पानी जाने से गंदगी फैलने का डर है। हमारे को आने जाने की दिक्कत और गंदगी बहुत है, और वो ही पानी गंदगी का तालाब में जा रहा है, जो हमारे के लिए ये गंदगी का पानी हम पीते हैं। इंदिरा कॉलोनी में हम करीब 22 साल से निवास कर रहे हैं। यहाँ करीब 50 परिवार निवास करते हैं, लेकिन शौचालय 10-12 जनों का ही है। यहाँ पर क्या है कि पानी है, तालाब होने के कारण यह शौचालय नहीं बन सक रहे हैं, क्योंकि तालाब में वो गंदा पानी जाता है। जब मैंने जन सुनवाई के अंतर्गत मैंने यहाँ की जो इंदिरा कॉलोनी में शौचालय बनाने के लिए जगह की मांग करी है, तो उसके लिए भी कलेक्टर साहब की तरफ से वापस मेरे पास आया है कि आप वो जगह बताएं जहां तुम चाहते हो। तो जो जगह तय करी थी वो है, पटवारी साहब ने बताया कि ये तालाब का पीटा है, तो इसमें हम नहीं दे सकते इस जगह को। अच्छा, बताइए कि ये जगह कहां पे देखिए जहां पे आपको ये प्लांट बनाना है, टैंक बनाना है शौचालय के लिए। ये यादव मोहल्ले के शमशान है, उसके नीचे की तरफ। हमें उसमें पैसों की मदद अगर सरकार की तरफ से मिल जाती है तो हम जितने 30-35 परिवार जो आज वंचित है, काफ़ी सारी दिक्कतें हैं बाहर जाने के लिए, तो उससे हम निजात मिले। परंतु जहाँ जाते थे उस जगह भी अभी उप तहसील बन रही है जी, तो उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। इंदिरा कॉलोनी मोहल्ले वालों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता व सार्वजनिक जगह दी जाए, ताकि इन वंचित 35 परिवारों का भी शौचालय बन सके, वह इससे फैलने वाली गंदगी पर भी अंकुश लगे। मैं राजसमंद जिले के कलेक्टर महोदय, जिनके नंबर 02952-22536 से, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि इस यादव समुदाय के शौचालय निर्माण में इनकी मदद करें। मैं शंभुराज तंवर देलोड़ा से, इंडिया अनहट के लिए।